फोन लेना है मुझे। कौन सा फोन? आईफोन 14 प्रो मैक्स। बता दो प्राइस क्या है, बता दो। समय धंधा ऐसी खराब है, चाहिए कोई बात। अरे मैम फोन का प्राइस पता है आपको? हाँ पता है, मैं कार्ड लेके आई हूँ। अभी कहना? हाँ किसका होगा, और ये चेक करना पड़ेगा, ये आपके पास कैसे है? अरे क्या हुआ, तू इतना सैड क्यों है? क्या करूँ, कुछ दिन पहले YouTube हैक हो गया था, अभी Facebook हैक हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। ऊपर से मेरे पास ना कोई टैलेंट है, ना मुझे कुछ आता है, मतलब तो अब करूँ तो करूँ क्या? मुझे लगता है कि मुझे मेरे पास में भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अच्छा तुझे क्या लगता है भिखारी बनना इतना आसान है? एक दिन के लिए बनकर तो दिखा, फिर समझ में आएगा उन लोगों का स्ट्रगल, उन लोगों का दुख। गाइस मैं चाहे एक दिन के लिए भिखारी बन भी जाऊं, बट मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी कि बेगर लोग पूरा दिन कैसे बिताते हैं, वो क्या फील करते हैं, वो फीलिंग मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी। सो गाइस ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए बना रही हूँ, और इस वीडियो से जो भी अर्निंग मिलेगा वो हम लोग डोनेट कर देंगे। लेकिन भिखारी बन के करोगे क्या, वो तो बताओ। भिखारी बन के मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स लेने वाली हूँ गाइस, तब तो मजा आएगा। चलो बहुत ज्यादा मजा आएगा वीडियो में, तो जरूर लाइक कर दो। और हाँ, फेसबुक वाला बात बिल्कुल सही है, मैंने लिंक दे दिया है, तो प्लीज यार बस जाओ और रिपोर्ट मारो, वो पेज सही में हैक हो गया है और हमें वापस नहीं मिलेगा, एक्सेस नहीं मिल रहा है। सो तो गाइस अभी मैं फुल्ली भिखारी बन के घर से बाहर निकल रही हूँ, और बस यही सोच रही हूँ कि प्लीज भगवान जी मुझे कोई देख ना ले, और जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। देख रहे हो लोग कैसे देख रहे थे मुझे, और ऊपर से मैंने टोटो वाले को रोका तो टोटो वाले अंकल बिल्कुल हंस रहे थे मुझे देख के। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। यहाँ पे मैं चली मेट्रो पे चढ़ने के लिए, और सीटू के साथ जा रही हूँ ना, तो लोग सोच रहे कि इस लड़के के सामने भिखारी कर क्या रही है, तो आप लोगों का रिएक्शन तो देख ही सकते हो। बट गाइस मैंने तो सोचा था कि मुझे मेट्रो में रोक लिया जाएगा, मुझे घुसने नहीं देंगे, बट घुसने दे दिया। हाय यार यहाँ पे मैं जब मेट्रो पे चढ़ गई थी ना, मुझे इतना शर्म लग रहा था गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब मैं सोच रही हूँ मैं बैठूं, मैं खड़ी हो जाऊं, किसी की तरफ देखूं, ना देखूं, करूं तो करूं क्या यार, लोग ऐसे देख रहे थे, कुछ लोग तो हंस भी रहे थे, और यहाँ पे मुझे रोना आ रहा है। मुझे लग रहा था मैंने ये चैलेंज क्यों लिया, मुझे भी घर जाने का मन कर रहा था, आई स्वेयर। तो यहाँ पे मैं बेशर्म लड़की सबके सामने से चलते हुए जाके बैठ गई, और मेरी एक नील हट ने मुझे पहचान लिया ऐसे। और अभी हम मेट्रो से फाइनली उतरने वाले हैं, और ये लड़की को देख रहे हो, शायद वो दोनों ना ऐसे ही बात कर रहे थे कि क्या ये नीलांजना घर है, नहीं यार नहीं हो सकता, वो यार भिखारी की जैसे थोड़ी बाहर निकलेगी। तो फाइनली मैं बाहर निकल चुकी हूँ, एंड अभी मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स मिलेगा। अरे हट्टा कट्टा शरीर है, जाके खट के खाओ, मतलब खाली मुफ्त में खाना है, क्या हो गया इंडिया के यूथ को तो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब खाली फ्री में पैसा चाहिए, खटना नहीं है। अरे नीलांजना तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अरे क्या हालत बना कर, तुम इसको जानते हो? अरे हाँ ये मेरा फ्रेंड है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। अरे तो आप यहाँ कैसे? मैं एक वीडियो बना रही हूँ चैलेंज के लिए, मुझे 24 आवर आज बेगर बन के ही रहना है, वो देखो कैमरा शूट हो रहा है। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मतलब आप जो शूट वूट करते हो। नहीं आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, एक्चुअली क्या है ना आजकल कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं है, और ऊपर से वेरीफाइड जॉब्स मिलना भी मुश्किल हो रखा है, तो लोग क्या करें। अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर आप ये 3-4 साल पहले बोलते तो ये पॉसिबल था, बट आज के जनरेशन में तो एकदम नहीं। कैसे? ये देखो ऐप, ये ऐप को आप लोकल शहर में जिसके भी पास मतलब जो शहर में रहते हैं उसको फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है, जैसे कि एचआर फाइनेंस एडमिन जॉब टाटा रिलायंस स्विगी एचडीएफसी कंपनी में भी इनको जॉब अवेलेबल मिलता है। मैं ये लिंक तो हर जगह शेयर करता हूँ कि लोग अपने लोकल में काम भी कर सके और अर्न भी कर सके। अच्छा क्या मैं ये लिंक मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तो गाइस मुझे ये बता के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं मेरे व्यूअर्स को एंटरटेन करने के साथ साथ पैसे कमाने में भी हेल्प कर रही हूँ। आप चाहे अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा हो या 12th पास,
आप अपने घर के आसपास इस ऐप के माध्यम से जॉब ढूंढ सकते हो एंड अनलिमिटेड जॉब पे अप्लाई कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मुझे हेल्प करो मेरा मिशन अकम्प्लिश करने में, टू मेक इंडियंस एम्प्लॉयड। गाइस यार मैं आ तो चुकी हूँ मॉल के सामने, देख सकते हो ना मेरे पीछे मॉल है। बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है बट मुझे ना बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लिया जाए। भैया भैया कोल्ड ड्रिंक दो ना। एक ले लूं? हेलो, यार भिखारी को प्यास नहीं लगता क्या? कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता एक? किसी ने नहीं पिलाया इसलिए मैंने पैसे से पी लिया। गाइस कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैं सोच रही हूँ मॉल के अंदर जाने के लिए, और आप ध्यान से देखो वहाँ पे सिक्योरिटी खड़े हुए हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि सिक्योरिटी वाले अंकल तो मुझे शायद मॉल से बाहर निकाल देंगे, तो डर डर के मैं चली गई अंदर। उन्होंने रोका भी नहीं, सिर्फ देखते रह गए। और यहाँ पे देखो ये जो भिखारी लड़की है ये इतनी बेशरम है, ये स्केलेटन के ऊपर उठ के ऐसे हाई कर रही है, बाई कर रही है, और ये तो देखो बैठ भी गई, पोज भी दे रही हूँ। पागल हो चुकी हूँ क्या? तो अभी मैं देखने वाली हूँ कहाँ पे मुझे मेरा प्यारा 14 Pro Max मिलता है। तो ये रहा पहला शॉप जिसमें मुझे iPhone 14 Pro का बैनर दिख तो रहा था, और मैं सोच रही थी मैं अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ। तो गाइस यहाँ पे मैं सोचते सोचते बहुत ही डर के साथ अंदर तक चली तो गई, बट मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था अंदर घुसने में कि क्या ही बताऊं। और गाइस आई स्वेयर मैंने भैया से पूछा कि भैया मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स मिलेगा क्या, उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो क्या करूं मैं बाहर आ गई, फिर वो भी हंस रहे हैं यार मुझे देख के। फिर यहाँ पे भी आईफोन का ही एक प्रीमियम शॉप है गाइस, तो यहाँ पे मैं चली गई अंदर। देख रहे हो दुकान के अंदर मतलब लोग कितने अच्छे तरह से ड्रेस्ड अप हैं, और मैं ये ड्रेस पहन के पागलों की तरह अंदर जाके यहाँ पे 14 प्रो मैक्स देख रहे हो ना, फोन बिल्कुल सजा हुआ है और मैं देखे जा रही हूँ। लोग भी सोच रहे हैं ये लड़की पागल है, वो दीदी तो आ गई मुझे देखने के लिए, पर मैं ना डर के मारे बाहर निकल के आ गई। इतना डर लग रहा था मुझे क्या ही बताऊं। हाय भगवान। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। आप ये वाला फोन ले लो, मुझे पैसा दे दो, फोन ले लो। फोन नहीं चाहिए? फोन ले लो ना। फोन है? अरे ये तो आईफोन है। अरे आईफोन होना है तो मुझे एक्चुअली आईफोन ही खरीदना है, इसीलिए पैसा चाहिए। आईफोन 14 खरीदना है पर पैसा नहीं है। दे दो, दे दो, इतना में नहीं आएगा। इतना में मेरे पास इतना ही है। थैंक यू। एक्चुअली हम लोग प्रैंक वीडियो बना रहे थे, उधर है कैमरा। थैंक यू, फिर भी आपने हेल्प किया ये बहुत ज्यादा है। तो गाइस शाम तो हो चुका है और मुझे यहाँ पे एक आईफोन का मोबाइल का दुकान दिख रहा है, होपफुली यहाँ पे आईफोन मिल जाएगा। तो मैं ना क्या करूँगी, मेरे टीम मेंबर्स को पहले दुकान में भेजूंगी, वो लोग कैमरा वैमरा सब कुछ छुपा के रेडी कर लेंगे एंड मैं जाके बेगर बन के आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदने वाली हूँ अभी के अभी। तो चलो देखते हैं कि मुझे मिलता है आईफोन 14 प्रो मैक्स या फिर मुझे भगा देता है। फोन लेना है मुझे। कौन सा फोन? आईफोन 14 प्रो मैक्स। आईफोन 14 प्रो मैक्स? हाँ। किसको चाहिए? मुझे चाहिए।
मजाक कर रहे क्या? नहीं, मुझे सच में चाहिए आईफोन 14 प्रो मैक्स, है ना आपके पास? नहीं, इसको जो आपको चाहिए लग तो नहीं रहा। मुझे चाहिए क्यों नहीं लगेगा, मुझे सच में चाहिए, इसीलिए तो आई हूँ इतना दूर। आईफोन का प्राइस पता है 14 प्रो का? हाँ पता है, कितना प्राइस है आप बता दो। अबे कौन है बे तू? बता दो प्राइस क्या है, बता दो। समय धंधा ऐसी खराब है, चाहिए कोई बात दूर के। अरे मैं सच में लूंगी, आप दिखाओ तो। नहीं नहीं मैम, रहने दीजिए, आप आइए बाद में, ये यकीन नहीं हो रहा। अरे आप दिखाओ तो मुझे, मैं लूंगी ना, बोल तो रही हूँ। पैसा अभी मेरे पास नहीं है, आप लोग कार्ड में पेमेंट लेते हो ना? कार्ड? हाँ, पैसा नहीं है शायद, देखती हूँ मैं कहाँ से देखूँ। क्यों बताएं? मिल नहीं रहा है। अरे मैम ये सब क्या कर रहे हैं? अरे मैं ढूंढ रही हूँ ना। अरे मैम उनका प्राइस पता है आपको? हाँ पता है, मैं कार्ड लेके आई हूँ। ये देखो, एक दो तीन चार, चार कार्ड लेके आई हूँ मैं, तो चार कार्ड से तो हो ही जाएगा ना, पेमेंट हो जाएगा ना। अरे मैम आप समझ नहीं रहे, क्या है झोला में? झोला में बहुत सारा चीज़ है, आप मुझे पहले प्राइस तो बताओ, फिर मैं देती हूँ ना आपको एक एक करके। कितना है बोलो? आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना है मुझे, आज ही अभी, बिल्कुल एकदम पूरा कैश में लूँगी। 1,38,000 है। अच्छा मेरे पास कैश तो नहीं है, बट ये वाला फ़ोन है, ये है 12 प्रो मैक्स, आईफोन 12 प्रो मैक्स है, एकदम ब्रांड न्यू फ़ोन है, और ऊपर से ये भी है, ये है क्या बोलते हैं इसको, हाँ नहीं नहीं ये है मैकबुक प्रो है, हाँ मैकबुक प्रो, किधर से खुलता है? यापी का है ना? हाँ किसका होगा, और खुल क्यों नहीं रहा? हाँ ये देखो खुल गया। ये चेक करना पड़ेगा, ये आपके पास कैसे है? ये अरे ये मेरा है, मेरे झोले से निकाला मैंने अभी। क्या चेक करोगे आप? नहीं नहीं ये मेरा है, आप मुझे दो, ये मैंने आपको दिया अभी अभी, अभी फोन दो आप मुझे। EMI नंबर चेक कर लियो, देखते किसका है। नहीं अरे ये मेरा ही है, फोन दो मुझे, आप तो आपने तो ले लिया खुद का समझ के। अभी तो स्टॉक अवेलेबल नहीं है, बाद में। स्टॉक है, आप मुझे देख के ऐसे नहीं दे रहे हो ना? नहीं नहीं स्टॉक अवेलेबल नहीं है अभी, इसलिए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अच्छा एक मिनट मैं अभी चेक कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। ठीक है। हेलो भैया, मुझे आईफोन 14 चाहिए। ठीक ठीक। क्या बोला, मिल जाएगा? नहीं नहीं स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अरे मैं तुमको दे रही हूँ ना, ये फोन भी दे रही हूँ, ये रख लो। स्टॉक नहीं है मैम। ये फोन रख लो और ये लैपटॉप भी रख लो, ये दो दो रख लो और मुझे दे दो। नहीं मैम अभी स्टॉक नहीं है, आप इसको लेके जा सकते हैं। इस दोनों का प्राइस मिला के 1,00,000 कितना? 38,000। हाँ तो 1,38,000 नहीं होगा? नहीं, वो चेक करना पड़ेगा, तो पहले आपका है कि नहीं वो पहले चेक करना। अरे मेरा ही है अभी फिलहाल, स्टॉक नहीं है। ये देखो मैं खोल दूँ इसको? नहीं नहीं खोल के दिखाऊँ, ये देखो। अरे काम क्यों नहीं करता, ये देखो खोल दिया, तो मेरा है ना, अभी तो दो। नहीं मैम स्टॉक नहीं है, मैम बात की है अभी स्टॉक। मुझसे बात कराओ। आपसे बात कर रहा है? हाँ। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? स्टॉक नहीं है इसीलिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। वो क्या है फिर, वो वाला? वो 13 है मैम, 14 स्टॉक। 14 नहीं है आपके पास? कब मिलेगा फिर? फिलहाल नहीं बोल सकता, झूठ बोल रहा। 14 आते ही बताना मुझे, ठीक है? आपको आईफोन ज्यादा पसंद है या एंड्रॉइड फोन? जल्दी जल्दी बाय, लव यू। सो
गाइस, आई होप कि आप सबने चेक किया मेरा स्पेशल जॉब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे सबके लिए पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब्स मिल जाएंगे। इवन अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, आप कभी स्कूल नहीं गए हो, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, योर डिम्पूदा विल हेल्प यू टू गेट डायरेक्ट इंटरव्यू इन कंपनी विदाउट एनी टेंशन। तो गाइज, मेरे लिंक को हर जगह शेयर करिए एंड जरूर मेरे लिंक से जॉब के लिए भी अप्लाई करिए। आपको 30,000 से 40,000 का जॉब तो इजिली मिल जाएगा, जो की हर कोई कर सकता है।